हे फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बना रहे हैं कैलकुलेटर। तो इस वीडियो में हम कैलकुलेटर बनाएंगे, तो इसमें हम कुछ भी जो भी वैल्यूज हमने करनी है तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने माइनस वाला सब कुछ सारे ऑपरेशन लगा रखे हैं, ठीक है। आप चाहे जो मर्जी इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको मैंने बिल्कुल सिंपल वे में समझाया। तो इस ऐप का जो सोर्स कोड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस ऐप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो डैट कि वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और ख़ुद से भी इम्प्लीमेंट करके देखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो का मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊँगा, तो करते स्टार्ट अपनी वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और स्पेशल वीडियो होने वाली है, ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक कैलकुलेटर जो हम मोस्टली अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं ना, तो वैसा ही कैलकुलेटर आज हम खुद से बनाएंगे, ठीक है। तो सब कुछ मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊँगा, सो डैट कि आप भी खुद से एक कैलकुलेटर ऐप को खुद से डेवलप कर सको, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊँगा, कोई मैंने बड़े लॉजिक नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपल वे में एज ए आपको बिगिनर समझ के मैं समझाऊंगा कि आपको, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और एक एक लाइन का कोड मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो जो भी हम अभी प्रोजेक्ट बनाएंगे कैलकुलेटर ऐप का, ठीक है, तो इसका मैंने सोर्स कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस ऐप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो डैट कि वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और खुद से इम्प्लीमेंट करना, और सोर्स कोड है जो वो भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप खुद से चला के देखना, बट अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह देख ली ना तो आपको सोर्स कोड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही अपना कैलकुलेटर को खुद से डेवलप कर सकोगे विदाउट सोर्स कोड। वैसे तो मैं सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा, बट आपको सोर्स कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अच्छी तरह देखी वीडियो, ठीक है। तो एंड तक देखिएगा। सो करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका डिज़ाइन व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इसको डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको जो हमारा रिलेटिव व्यू है, लेआउट है, तो इसको मैं मार्जिन टॉप देता हूँ 20 dp, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोग्राम। हम यह इसको बनाएंगे लीनियर लेआउट में, मतलब कि हर एक लीनियर लेआउट बनाएंगे हम इसको। सबसे पहले मैं इसमें बनाता हूँ एडिट टेक्स्ट, जिसमें हमने जो हम कैलकुलेटर में क्या होता है कि जब हम नंबर टाइप करते हैं तो जो स्क्रीन पर दिखता है वो स्क्रीन बनाते हैं हम पहले, ठीक है। तो ये स्क्रीन का मैं विड्थ दे देता हूँ मैच पेरेंट और हाइट दे देता हूँ मैं इसकी 100 dp, और उसके बाद इसके अंदर मैं हिंट भी डाल देता हूँ इसको कि क्या लिखा हुआ आएगा, एंटर नंबर, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी मैंने दे दी इसको इवन, ठीक है, आईडी मैंने इवन दे दी। और टेक्स्ट का साइज जो है वो टेक्स्ट का साइज बढ़ा देते हैं 60 dp, ठीक है। तो टेक्स्ट का साइज मैंने बढ़ा दिया, देखो ऐसे हमारी स्क्रीन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ टाइप नहीं करा होगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, एंटर नंबर, तो हम यहाँ पे कुछ नंबर टाइप करेंगे, ठीक है। तो ये स्क्रीन बन रही है हमारी, ठीक है। एक और चीज़ करते हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट, कि टेक्स्ट जो है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होएगा, व्यू एंड से, ठीक है, मतलब कि यहाँ से इस स्क्रीन से वो, जैसे व्यू है, व्यू कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे ना, तो यहाँ से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होएगा, यहाँ से ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होएगा तो ऐसे चलता जाएगा, तो ये व्यू एंड है। आप चाहे यहाँ से भी दिखा दो, यहाँ से आपका टेक्स्ट चले, बट नॉर्मली क्या होता है कि कैलकुलेटर में कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से व्यू एंड से स्टार्ट हो जाता है आपके नंबर्स, ठीक है। तो ये लगा दिया मैंने। अब एक चीज़ करते हैं, इसका बैकग्राउंड हम सेट करते हैं इसको, ठीक है। तो बैकग्राउंड मैं इसको लगाऊंगा, बैकग्राउंड में ना हम इसका कुछ कलर लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कलर लगाने के लिए क्या करेंगे, हम चलते हैं गूगल पे। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि कलर कैसे चूज करते हैं किसी भी बैकग्राउंड को लगाने के लिए। वैसे तो इसके कोड होते हैं तो पर कोड हम याद नहीं रख पाएंगे, तो हम यहाँ पे इसको कलर लगाते हैं, बैकग्राउंड कलर का कोड उठाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैंने टाइप किया कलर कोड, तो कलर कोड मैंने यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा HTML कलर कोड्स, तो इसको हम क्लिक करते हैं फर्स्ट वाले लिंक पे, तो देखो यहाँ पे इसके कलर्स आ जाएंगे सारे, आप जो मर्जी चूज कर लो यहाँ पे, ठीक है। देखो ये कलर्स आ गए हैं, तो आपने जो मर्जी कलर की स्क्रीन, आपको जो भी बैकग्राउंड चाहिए वो ले लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये वाला कलर ले लेता हूँ, ये वाला कोड ये करा, और ये देखो यहाँ पे है कलर कोड, इसको मैंने कर दिया कॉपी, ठीक है। अब चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड में आया था ना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है, ये कर दिया मैंने, और देखो ये आगे स्क्रीन, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर लग गया, आप चाहे कोई भी कलर लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब हमारी स्क्रीन हो गई है रेडी।
अब हम इसके लगाएंगे बटन्स, ठीक है। तो एक काम तो हमारा हो गया, स्क्रीन चल गई है, तो अब लगाएंगे हम इस पे बटन। तो बटन हम किस में लगाएंगे, लीनियर लेआउट्स में लगाएंगे, ठीक है। इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ मैच पेरेंट और हाइट दे देता हूँ रैप कंटेंट, ठीक है। तो ये लीनियर लेआउट लिया है मैंने, इसको मैं आईडी दे देता हूँ, इस लीनियर लेआउट को आईडी दे देता हूँ R1, ठीक है। और मैं इसको बिलो कर दूंगा किसके, ये जो मैंने लगाया एडिट टैक्स, इसके नीचे लगाना है हमने, ठीक है। तो बिलो कर दिया इसके E1 के, ठीक है। और इसको मार्जिन भी दे देता हूँ, मार्जिन टॉप दे देता हूँ इसको मैं 10 dp, ओके। और ये एक और चीज़ रहेगी, ये रेड लाइट की आ रही है कि इसको मैंने ओरिएंटेशन सेट करनी है, तो ओरिएंटेशन में लगा दी हॉरिजॉन्टल। विड्थ मैच पेरेंट है बट हाइट हमने देनी है इसको 100 dp, ठीक है। तो ये हाइट दे दी मैंने इसको, ठीक है। अब ये लीनियर लेआउट मेरा लग गया, अब इसके अंदर हम लगाएंगे बटन्स, ठीक है। तो बटन हम लगाते हैं इसको, मैंने एक और चीज़ कर देते हैं पहले, जो ये लीनियर लेआउट है ना, इसको मैंने वेट सम भी देना है। तो वेट सम मैंने दे दिया 4, क्योंकि यहाँ पे मैं हर रो में चार चार बटन लगाऊंगा, ठीक है। तो चार चार बटन लगाएंगे, अब स्टार्ट करते हैं बटन लगाना। यहाँ पे मैं एक लगाऊंगा बटन, विड्थ दे दी मैंने इसको रैप कंटेंट, हाइट दे दी मैच पेरेंट, ठीक है। ये बटन बना अपना, देखो अपने आप उसने साइज ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको दूंगा आईडी, आईडी मैंने दे दी इसको B1, ठीक है। और टेक्स्ट मैं दे देता हूँ इसको, टेक्स्ट क्या देंगे 1, एक एक नंबर का बटन लगाया मैंने, ठीक है। और इसका थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज मैं बढ़ा देता हूँ, इसको कर देते हैं 70 dp, या फिर इसका साइज अभी हम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको कर देते हैं 50 dp, ठीक है। तो 50 dp में बिल्कुल सेट आ रहा है, ठीक है। ये कर दिया हमने, और एक और चीज़ करते हैं, ये भी स्केयर में आ रहा है ना, अगर हम चाहते हैं कि इसको मैं सर्कल में दिखाऊं, ठीक है। तो सर्कल में दिखाने के लिए हमने क्या करना है, हम चलते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में, यहाँ पे मैं खोलता हूँ रिसोर्स फाइल, ठीक है। रिसोर्स फाइल में हम जाएंगे ड्रॉएबल में, इस ड्रॉएबल में मैं एक बनाऊँगा XML फाइल, यहाँ पे मैं XML फाइल बनाऊँगा, उसका नाम दे दूँगा ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट नाम की फाइल बना दी मैंने, तो ये ऐसी फाइल बन के आ जाएगी, ठीक है। हमने क्या करना है, ये जो सिलेक्टर है ना, इसको हमने डिलीट ही कर देना, इसका हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे हम बनाएंगे खुद का शेप, शेप दिया मैंने इसको, अब इसी के अंदर मैंने लगानी है, ये देखो कितने सारे आ गए हैं, ठीक है। हमने अभी बनानी है शेप, तो मैंने शेप पे किया और मैंने इसकी शेप बना देनी है, शेप मैं बना दूंगा रेक्टेंगल। अब एक और बनाएंगे हम यहाँ पे नीचे, यहाँ पे हम बनाएंगे कॉर्नर, तो इसी शेप के अंदर हमने बनाना अब एक और एट्रीब्यूट बनाएंगे कॉर्नर, ठीक है। तो इसका मैंने कर देना है रेडियस, रेडियस में क्या करूंगा, इसको रेडियस हमने दे देना है, इसको खुद से दे देंगे 50%, ठीक है। 50% ये मैंने दे दिया इसको रेडियस कॉर्नर, ठीक है। ये मैंने कॉर्नर दे दिया इसको 50%। उसके बाद एक और चीज़ करते हैं, उसका बैकग्राउंड अगर हमने कलर भी चेंज करना तो क्या कर देंगे, सॉलिड, सॉलिड में जाएंगे और यहाँ पे मैं कलर में कुछ भी डाल सकता हूँ। तो कलर अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे कुछ लगा दिया, ये तो गलत है, हम कलर खुद से चूज कर लेते हैं। तो मैंने हम चलते हैं यहाँ पे कोई भी कलर चूज कर लेते हैं बटन्स के लिए, ठीक है। तो बटन्स के लिए हम यहाँ पे कलर चूज करेंगे, सपोज मैंने ये वाले बटन ले लिए, ठीक है। ये कर दिया मैंने कॉपी, चलते हैं वापस और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो ये ऐसा हमारा डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक है। अगर ये अभी मैंने 50% दिया है, और इसको मैं रेक्टेंगल की जगह अगर मैं कर दूँ इसको ओवल, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं रिंग कर दूँ तो ये गायब ही हो गया। मैं कर देता हूँ इसको ओवल कर देता हूँ, और 50% की जगह कर देता हूँ 20%, रेक्टेंगल ही लगा लेते हैं हम, ठीक है। तो रेक्टेंगल लगा दिया मैंने और ये ऐसे आएगा, इसको थोड़ा सा और करेंगे 50% कर देते हैं, ठीक है। तो 50% में ऐसे आ रहा है, अगर मैं 70% करूँ तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला डिज़ाइन ठीक है, तो ये आपका बैकग्राउंड के लिए चल गया, ठीक है। ये फाइल बन गई है, इसको अच्छी तरह देख लो, ठीक है। अब इसका हमने कुछ नहीं छेड़खानी करनी, बस इसको बंद कर दो, बस इसका नाम याद रखना, क्या नाम है, gradient.xml, ये फाइल का नाम याद रखेंगे।
अब चलते हैं यहाँ पे वापस। अब इस बटन को मैंने वही कलर देना है, वही बैकग्राउंड देना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं टाइप करूँगा बैकग्राउंड और यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेडियंट। तो मैंने लिखा तो आ गया देखो ड्रॉएबल ग्रेडियंट, ठीक है। तो यही वाला हमने यूज़ करने मैंने कर दिया ओके। अब देखो बन गया वैसे ही सर्कल में आ गया। ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो रहा है ना, मैं इसको कर देता हूँ 10% कर देता हूँ। मैंने 10% कर दिया और यहाँ पे अब देखते हैं कैसे बनेगा। ये ऐसे आ रहा है, चलो इसको 20% ही कर देते हैं, ठीक है। 20% कर दिया तो ये ऐसे डिज़ाइन बनेगा हमारा, ठीक है। तो हर बटन का ऐसे डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया सेट। अब इसी बटन को मैं कर दूंगा कॉपी। ऐसे हमें बटन बनाने हैं तीन, ठीक है। दो हो गए, तीन, चार, ठीक है। चार बटन हमने लगा दिए। अब इनकी सबकी आईडीज चेंज कर देंगे। पहले का B1 है, दूसरे की मैं कर देता हूँ B2, तीसरे की कर देते हैं आपा B3, फिर कर देते हैं हम B4, ठीक है। और इनको मैं वेट सम भी दे देता हूँ। और एक चीज करते हैं, अभी इनका डिजाइन ये वाली स्पेस बच रही है ना, तो हम क्या करेंगे हर बटन में क्या लगाएंगे, वेट सम, लेआउट वेट, ठीक है। तो लेआउट वेट कर देंगे 1, क्योंकि मैंने चार ऊपर कितना दिया था, वेट सम मैंने दिया 4, तो मतलब कि 4 में डिवाइड हो जाएगा इक्वल इक्वल। तो मैं इसको B1 को भी दे देता हूँ वेट, लेआउट वेट 1, सेम दे देता हूँ मैं इसको भी लेआउट वेट 1, तो सबका साइज इक्वल हो जाएगा, लेआउट वेट 1, ठीक है। अब ये बन गया हमारा, बिल्कुल सेट हो गया, सारे बटन इक्वल हो गए, ठीक है। अब इनके टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं। इसका टेक्स्ट मैं देता हूँ 2, इसको दे देते हैं 3, और इसको दे देते हैं अपन 4। 4 नहीं देते, इसको हम दे देंगे प्लस, प्लस साइन का, ठीक है। प्लस साइन का दे दिया। और इसका टैक्स साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल नंबर से, क्योंकि ये नंबर नहीं है ना, तो इसको नॉर्मल नंबर से थोड़ा सा बड़ा लगे, तो मैंने इसका साइज दे दिया 60। और एक और चीज़ कर दे, इसका टेक्सटाइल हम थोड़ा सा बढ़िया कर देते हैं। तो टेक्सटाइल मैंने कर दिया इसको बोल्ड, तो बोल्ड कर देंगे तो देखो प्लस वाला साइन इन तीनों से डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। तो यही डिफरेंस हो जाएगा कि ये नंबर्स हो जाएंगे और ये ऑपरेटर का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेआउट हमारा बन गया इतना, ये फर्स्ट रो हमारी बन गई। अब इसी रो को हम कॉपी करेंगे। एक चीज और करते हैं, पहले एक ऊपर लीनियर लेआउट लेते हैं, विड्थ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट, इसके अंदर हम सब कुछ डालेंगे, ठीक है। तो इसकी मैं ओरिएंटेशन दे देता हूँ वर्टिकल, ठीक है। अब इसी जो ये मैंने लीनियर लेआउट लिया है, इसी लीनियर लेआउट को उठाता हूँ और इसके अंदर डाल देते हैं। और इसको मैं जो बिलो करना है वो इससे कर देते हैं, जो ये बिलो वाला था ये उठाया मैंने और इसमें लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसी लीनियर लेआउट को जो ये मैंने फर्स्ट रो बनाई है, इसको मैं कॉपी करूंगा और इसके नीचे इसी लीनियर लेआउट के अंदर ही लगा देते हैं एक और, ठीक है। ये बन गई दूसरी रो। बस इसमें हमने क्या करना है कि जो आईडी थी, आईडी इसको मैं चेंज कर देता हूँ, R2 हो जाएगी आईडी, ठीक है, रो 2। उसके बाद हम चेंज करते हैं इसकी वैल्यूज आईडीज, तो अगले की बनाएंगे हम B4, फिर बनाएंगे B5, फिर बनाएंगे B6, उसके बाद एक और बना लेंगे सब सबट्रैक्ट करना है हमने, ठीक है। और इसकी मैं टेक्स्ट भी दे देता हूँ यहाँ पे इसको सब माइनस का, ठीक है। तो देखो बन गया। अब इसके टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं, तो इसको मैंने कर दिया था 3 कर दिया ना, इसको कर दूंगा 6। सबके टेक्स्ट नेम भी चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे, ये कर दिया 5, ये कर दिया 4, ठीक है। ये सेम बन गया अब 1 2 3 4 5 6, और ये प्लस और माइनस वाले साइन। अब यही लेनियर लेआउट को दोबारा से कॉपी करता हूँ मैं और इसी के नीचे ही पेस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। पेस्ट कर दिया। अब फिर से चाहिए इसकी जो लीनियर लेआउट है, इसका आईडी चेंज करेंगे R3। उसके बाद इसकी बटन की वैल्यू क्या करेंगे, 6 7 आ जाएगी, B7, B8 और B9। इनके टैक्स भी चेंज कर देते हैं, और इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। इतना बन गया हमारा। अब लास्ट में तीन बटन और रह गए हमारे। इसी लीनियर लेआउट को कॉपी करूंगा मैं और इसी के नीचे ही पेस्ट। अब तीन बटन रह गया, 0 इक्वल टू डिलीट, और डिवाइड वाला भी रहता है, ठीक है, और इक्वल वाला भी, चार रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक, यहाँ पे लगाऊंगा मैं,
ठीक है। तो ये सब कुछ बन गया, हमारा हमारा डिज़ाइन हो गया रेडी। ठीक है, तो ये ऐसे डिज़ाइन बनेगा। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका जो ना तो मार्जिन टॉप है इसको और बढ़ा देते हैं, 50 dpi कर देते हैं, थोड़ा सा सेट हो जाए, पूरी स्क्रीन पे सेट आ जाएगा ना। और ये जो एडी टेक्स्ट का है इसका भी साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हम 120 कर देता हूँ मैं। ठीक है, 120 कर दिया, आप देखो बिल्कुल स्क्रीन पे सेट हो गया। तो ये हमारा अब कैलकुलेटर की स्क्रीन हो गई है रेडी। ठीक है, तो ये डिज़ाइन हमने बना लिया प्रॉपरली। ठीक है, इसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तीन और जीरो, ये सारे नंबर दे दिए, 10 नंबर दे दिए। उसके बाद एक प्लस का साइन, माइनस का, मल्टीप्लाई का, फिर डिवाइड का, क्लियर स्क्रीन और इक्वल टू। हाँ, एक चीज़ और रहेगी डिलीट के लिए, तो डिलीट के लिए मैं बटन इसमें लगा लेता हूँ एक। डिलीट के लिए क्या करेंगे, ये वाला लीनियर उठाते हैं अपना, यही लीनियर उठाया और पहले वाले लीनियर लेआउट बना देंगे अपा। ठीक है, पहला लीनियर लेआउट मैं बना देता हूँ, यहाँ पे मैं कर दूंगा डिलीट के लिए DEL, ID दे दी DEL। उसके बाद ये जो बाकी के बटन है ना सारे डिलीट कर दूंगा, सिर्फ एक ही बटन दिखाऊंगा फर्स्ट में। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ डिल। ठीक है, ये नेम दे दिया मैंने डिल नाम का। ठीक है, तो अब देखो ये डिलीट के लिए हमने बटन लगा दिया, और इसको मैं ID आर देता हूँ RR1, ID में दे दी RR1, और साइज जो है इसका 0.5। ठीक है, ये साइज दे दिया मैंने डिलीट के लिए। ठीक है, एक चीज़ करते हैं, डिलीट है ना इसका हमने बैकग्राउंड भी, बैकग्राउंड के लिए सबका सब बैकग्राउंड सेम हो गया ना। अब कुछ बटन ऐसे जैसे डिलीट हो गया या इक्वल टू हो गया, इन बटनों के लिए ना, या फिर क्लियर वाला बटन है, इन बटनों के लिए क्या करते हैं हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ग्रेडियंट फाइल थी ना मेरी, इसी को मैं दोबारा से दो तीन फाइलें और बना लेते हैं ऐसे। इसको मैंने कर लिया कॉपी। ठीक है, क्या करेंगे, इसको कर लेंगे कॉपी। तो इसको मैंने कॉपी करके हम क्या करेंगे, इस पे कर दूंगा पेस्ट, और इसका नाम मैं दे दूंगा ग्रेडियंट 1। ठीक है, नाम दे दिया। अब इस ग्रेडियंट 1 में हमें क्या सा चेंजिंग करना है कि इसको थोड़ा सा कलर, बस सब कुछ सेम रहेगा इसका, मैं बस क्या करूंगा कि कलर को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका कलर ये था ना, इसको मैंने कर देना है रेड कलर। तो रेड कैसे करेंगे, ये रहा रेड, इसको मैंने कर लिया कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो ये रेड बन गया। तो ये हम ग्रेडियंट 1 लगा देंगे हमारे डिलीट के लिए। ठीक है, लगाएं, ये रहा डिलीट बटन। इसका मैंने बैकग्राउंड जो था ना, इसके बैकग्राउंड पे मैं लगा दूंगा ये रहा बैकग्राउंड में, इसको मैंने लगा देना है ग्रेडियंट 1। तो ये सारे मैंने ग्रेडियंट लगा दिए, इस पे मैंने इक्वल पे भी लगा दिया। ठीक है, तो अभी तो ये ना यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहे, यहाँ पे सेम कलर दिखा रहा है। ठीक है, जब हम ऐप को रन करेंगे ना तब हम देखेंगे। देखो, मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट का लगा दिया, ये इक्वल बटन के लिए लगा दिया है, उसके बाद मैंने लगाया ये, लगाया मैंने डिलीट बटन के लिए, और ये सब बटन जो और बटन चल रहे हैं बाकी के बटनों के लिए, ये ग्रेडियंट है। ठीक है, तो ये सब मैंने लगा दिया इस पे, बट अभी क्या है कि जब हम इस ऐप को रन करेंगे ना तब देखे, तब ये उस पे एग्जीक्यूट होएगा। ठीक है, तो अभी हमारा प्रॉपरली सब कुछ लग गया, ये हमारी प्रिंट स्क्रीन है, यहाँ पे हम नंबर्स जो हमारे हैं वो प्रिंट होके आएंगे। ठीक है, आउटपुट आएगा यहाँ पे। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का बटन है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारे बटन्स लगा दिए हमने। उसके बाद जीरो है, फिर ये क्लियर है, डिवाइड है, फिर इक्वल टू, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस। ठीक है, सारे बटन हमारे लग गए हैं। ठीक है, तो अब इसको, ये तो डिज़ाइनिंग पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो अब इसको करते हैं रन। तो रन करके पहले डिज़ाइन देख लेते हैं कि कैसा बना है हमारा। तो फ्रेंड्स, ये देखो हमारी ऐप रन हो गई है। तो देखो बिल्कुल एकदम बढ़िया इसका वो बन गया, जो आपको मैंने बताया था कि बटन्स के कलर्स नहीं चेंज हो रहे, तो आप जब रन करोगे तो इसके बटन भी कलर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सी ऐप लग गई है, मतलब कि डिज़ाइन तैयार हो गया। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया डिज़ाइन बना दिया मैंने। अब इसके बाद हम बनाएंगे, अब इसके बाद हम इसकी स्टार्ट करेंगे कोडिंग। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे जिसमें हम इसकी कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट में पूरा हमने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे इसका कोडिंग पार्ट। ठीक है, जिसमें इसकी सारी फंक्शनैलिटी होगी, सारे लॉजिक लगाएंगे। सो डैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो वो वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, ये डिज़ाइनिंग अगर बढ़िया से बन गया तो उसके बाद हम कोडिंग करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।